नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 8 दिसंबर, कल के सेशन में हमने एक बेतहाशा बड़ी तेजी हमने एमसीएक्स गोल्ड एक्स में देखी, जो करीबन 2% की थी। कल गोल्ड और सिल्वर में भी हमने बेतहाशा बहुत अच्छी तेजी देखी है। जिस ढंग से एक्सपेक्टेशन लगा हुआ है फ्रेश फिजिकल स्टिमुलस यूएस में आ सकता है, साथ में ईसीबी ने भी ये थर्सडे को अनाउंसमेंट आ सकती है बॉन्ड बाइंग को लेकर। जापान से भी हमने ऐसी कुछ खबर आती हुई देखी, जिसके चलते गोल्ड को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। एमसीएक्स बुल्डेक्स में भी हमने कहा था कि 15,100 का लेवल तोड़ने पे, 15,550 और 15,550 का लेवल तोड़ने पे हम 15,800 तक का भी लेवल देख सकते हैं। साथ में नंबर ऑफ केसेस जो कोविड के बढ़ रहे हैं यूएस में और नए लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो रही है, ये वैक्सीन की खबर को कहीं ना कहीं दबा रही है। तो ओवरऑल ब्रेकआउट आ चुका है इंटरनेशनल में, गोल्ड में भी जो $1956 का था, अब सॉरी $1856 का था, 1856 के ऊपर $1920 तक का भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। कल एमसीएक्स में 1.5% की तेजी गोल्ड में आते हुए दिखाई दी, 2.5% की तेजी चांदी में आते हुए दिखाई दी। टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, बुलिश है। 50,100 के ऊपर होल्ड होने पे हम 50,550 के लिए गोल्ड बाय कर सकते हैं। चांदी 65,000 के ऊपर होल्ड होने पे हम 66,500 के लिए चांदी को ले सकते हैं। क्रूड ऑयल में कल लोअर लेवल से वापस मार्केट में बाउंस जरूर आया, बट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। टेक्निकली भी बड़ी रैली के बाद एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। नंबर ऑफ केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और साथ में हमने देखा कि ओपेक की जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी मार्केट डाइजेस्ट जरूर कर पाई है, बट और नया अब के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज चाहिए, वो मार्केट से नदारद है। तो टाइमिंग एक पुलबैक हम क्रूड में देख पाएंगे। नेचुरल गैस में कल भी 6% की गिरावट थी, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर अब ओवरसोल्ड में जा चुका है। कहीं ना कहीं 188 तक का एक बाउंस रैंडमली दिखा सकता है, बट सस्टेनेबिलिटी अभी भी क्वेश्चनेबल है। जब तक 190 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, 175 से 190 का रेंज रहेगा। आज रिकवरी जरूर दिखाएगा, बट सस्टेनेबल थोड़ा देख के काम कीजिए। बाइंग करना है 185-186 के टारगेट के लिए। बेस मेटल में हमने देखा कहीं ना कहीं एक कंसेंस बना हुआ है अपर साइड पे, सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, संभल के काम कीजिए। सेल ऑन रैली शुड बी दी स्ट्रेटजी, नो डाउट कुछ छोटे मोटे अपडेट्स प्राइजेस को सपोर्ट जरूर करेंगे, बट सेल ऑन रैली शुड बी आइडियोलॉजी। बेस मेटल में अगर एलएमबी की बात करें तो कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक और लेड आधे से 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करें, जबकि निकल एल्यूमिनियम को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, बट निकल के आउटपुट बढ़ने की न्यूज है, रीस्टॉकिंग नहीं हो रही है हायर प्राइजेस के चलते, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रिगर रहेगा। गोल्ड 1856 तोड़ने पे 1872 दिखा चुका है, 1920 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। जब तक 1856 के ऊपर होल्ड है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बिल्कुल बिकवाली नहीं करनी है, बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटजी। सिल्वर $25 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, $25 का लेवल तोड़ने पे हम 26.5 तक का लेवल देख पाएंगे। WTI ब्रांड थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है, $44 तक WTI, $47 तक ब्रांड। नेचुरल गैस में रिकवरी है, 2.50 के ऊपर जाने पे 2.80 तक का लेवल दिखा देगा, जो डोमेस्टिक मार्केट पे करीबन 190 का लेवल तोड़ने पे 198 तक का भी लेवल दिखा सकता है। डॉलर इंडेक्स 91 के नीचे है, ट्रेंड अभी भी वीक है, 90-50 तक का लेवल दिखा सकता है। विक्स स्टेबल है, इक्विटी ओवरबॉट है, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकता है। डेटा पॉइंट में आज जापान से काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं जो पॉजिटिव आए हैं, यूरोजोन से भी हम डेटा पॉइंट देखेंगे वो पॉजिटिव रह सकते हैं। डॉलर में नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी का डेटा इनलाइन रहने की उम्मीद है, लेबर कॉस्ट भी इनलाइन रहने की उम्मीद है, कोई बड़ा डेटा पॉइंट आज के सेशन में डॉलर को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। एमसीएक्स बुल्डेक्स के अंदर हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखा है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब 15,400 के ऊपर अगर प्राइसेस होल्ड आती है तो 15,600 से लेकर 15,850 तक का भी लेवल दिखा देगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एमसीएक्स बुल्डेक्स बिल्कुल लेके काम करना है। क्रूड ऑयल में प्राइसेस अभी भी पॉजिटिव है, बट 50 डे मूविंग एवरेज 3400 का लेवल है, अगर प्राइसेस 3400 का लेवल ब्रीच कर जाता है तो एक पुलबैक दिखा सकता है 3320 से लेकर 3260 तक का लेवल। जिंक के अंदर प्राइसेस ने कल 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके उठने की बिल्कुल पूरी कोशिश की है, बट ध्यान रखिए प्राइसेस 218 के ऊपर अगर नहीं जाता है तो फिर से बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, जो 211 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।